किसी ने पूछा फौज क्यों ज्वाइन की, हमने भी कह दिया उधार की जिंदगी थी, कर दी देश के नाम। तैरना है तो तैरो समुद्र में, नदी नालों में क्या रखा है, मोहब्बत करनी है तो करो वतन से, इन बेवफाओं में क्या रखा है। हम फौजी अजाब ऊंची आवाज सिर्फ राष्ट्र गान की सुनते हैं, किसी के बाप की नहीं। आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद ऊंचा करिए, क्योंकि हम तिरंगे के दीवाने हैं, छोटे उड़ान हम नहीं उड़ते। अंजाम की फिक्र तो हमारा कुत्तों को होती है, हम तो देशभक्त है, जहाँ रिस्क होती है वहाँ हमारी एंट्री फिक्स होती है। और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में, जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए हैं। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होगा। आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए ऑफिसर, मैं ना उसे समझाने आया हूँ ना बचाने, मैं तुम लोगों को उससे बचाने आया। ये जंगल जो है ना उसका घर है, और अगर तुम लोग अंदर गए तो वो जहन्नम बना देगा। इस जंग में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, वो अकेला एक फौज के बराबर है। ये बड़ा टेक किया, मुझे कोई पर्सनल अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रोफेशनल सिग्नेचर चाहिए। सर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आपसे सिग्नेचर लेने के बाद ही मैं बॉर्डर पर जा सकता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर मुझे बॉर्डर पर जाने से जो हाथ रोकेगा ना उस हाथ को तोड़ दूंगा, फिर चाहे वो हाथ मेरे बाप का क्यों ना हो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर सके। बता दो पाकिस्तानियों को कि हम डरते नहीं अटम बम से, विस्फोटक जलपोतों से, क्या भेड़िए से डर सकती, सिंगों की औलाद नहीं, बर्दवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा